कामा क्षेत्र में लगातार कई दिनों से हो रही बरसात के बाद क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सूचना मिलते ही शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान ने तुरंत प्रभाव से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वह क्षेत्र में जाकर तुरंत पंप सेट लगाएं और पानी निकासी की व्यवस्था करें, जिसे लेकर आज मंत्री जाहिदा खान कामा अपने निवास पर पहुंची हैं, जहां मौजूदा लोगों सहित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से क्षेत्र का फीडबैक लेने के बाद अधिकारियों की एक बैठक ली है और बैठक लेने के बाद अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं, पंप सेट लगाने के निर्देश दिए हैं। आज हमारे साथ शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान मौजूद हैं, जानते हैं उनसे कि अधिकारियों को क्या क्या निर्देश दिए और क्षेत्र के किस तरीके से हालात हैं। जैसा आप लोगों को मालूम ही है कि कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश इतनी होने की वजह से बाढ़ के से हालात हो गए हैं, और मैं लगातार लोगों के संपर्क में थी कि जिस भी जैसे ही मैं यहाँ आई अर्जेंटली, मैंने सर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया, लोगों से फीडबैक लेके कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पे जलभराव हो रहा है। मैंने वीडियो को पाबंद करा कि हर सेक्रेटरी से वो रिपोर्ट लें गांव की, तो उन्होंने वो रिपोर्ट सब तैयार कर ली है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज रात को पंप सेट लग के पानी निकासी का काम शुरू हो जाएगा और जहाँ पर नुकसान हुआ है, जिनके मकान गिरे हैं, उनके भी मुआवजे की पूरी फाइल बन के कलेक्टर साहब के पास पहुँच जाएगी। और कल मैं इलाके का दौरा करूँगी, मैं और प्रधान जी, जिससे कि हम फिजिकली चेक कर सकें और लोगों से मिलके उनसे बात करें, उनको जो राहत हम दिलवा पाएं वो हम दिलवाएं। ये थी शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि क्षेत्र के हालातों का कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने के बाद संबंधित अधिकारियों की बैठक ली है और कल कामा एवं पहाड़ी दोनों पंचायत समिति क्षेत्र का दौरा करके मौके की स्थिति का जायजा लेंगे।